मैं हूँ हिना और मैं हूँ राहुल एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है और हम निकले हैं वॉक पे, तो सोचा आपको भी लेकर चलते हैं। और हमारे पीछे बहुत सारे डक्स हैं, तो आपको पीछे आवाजें आ सकती हैं, पर चलो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। नेदरलैंड्स जो है एक बहुत ही छोटा कंट्री है, अगर हम साइज इंडिया में कंपेयर करें तो पंजाब जितना होगा साइज इसका, और इसका आधे से ज़्यादा जो एरिया है वो सी लेवल के नीचे है। यस राइट, सी लेवल के नीचे। बट इस बारे में हम किसी और वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मोस्टली टूरिस्ट नेदरलैंड्स में आते हैं एम्स्टर्डम घूमने के लिए, बट यहाँ पे अपनी कैपिटल सिटी के अलावा और भी बहुत कुछ है घूमने के लिए। पूरी कंट्री में आपको मिलेंगे क्रिस क्रॉस कैनल्स, हिस्टोरिक टाउन सेंटर्स एंड क्लासिक विंडमिल्स, और यहाँ की फ्लैट लैंड इज परफेक्ट फॉर साइकिलिंग। और इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे बेस्ट 10 लोकेशंस के लिए जहाँ आप जा सकते हो डे ट्रिप्स के लिए, और चाहे आप नेदरलैंड्स में रहते हो या यूरोप में यहाँ, या फिर यहाँ बस घूमने आ रहे हो, ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। एक मिनट, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि हमें और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। 10 डेन हाग, ये यहाँ की कैपिटल सिटी तो नहीं है, पर यहाँ है डच पार्लियामेंट, और इसे कहा जाता है इंटरनेशनल सिटी ऑफ पीस एंड जस्टिस, क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो वर्ल्ड पीस पे काम करती है वो आपको यहाँ मिल जाएंगी। डेन हाग फेमस है अपने म्यूजियम्स और बीच के लिए। एक वार्म सनी डे पे यहाँ के बीच पे बहुत रश रहता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे, जो कि है मदुरो डैम, जहाँ पे यूरोप की ऑलमोस्ट सब फेमस बिल्डिंग्स के मिनिएचर हैं। रोटरडैम नेदरलैंड्स की सेकेंड बिगेस्ट सिटी है, और यहाँ पे है वन ऑफ द बिगेस्ट एंड बिजिएस्ट पोर्ट इन द वर्ल्ड, और रोटरडैम फेमस है अपने फ्यूचरिस्टिक एंड इनोवेटिव आर्किटेक्चर के लिए। और यहाँ पे देखने के लिए है रोटरडैम जू और क्यूब हाउसेस, जो कि बहुत ही यूनिक है, और आप अगर चाहो तो इनके अंदर का एक टूर भी ले सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारे म्यूजियम्स एंड कल्चरल अट्रैक्शंस हैं। 8 जांसे शांस, एम्स्टर्डम से बस 20 मिनट दूर, और जो कि फेमस है अपने ट्रेडिशनल हाउसेस एंड विंडमिल्स के लिए, जो कि यहाँ पे हैं 17th और 18th सेंचुरी से, जिन्हें यूज़ किया जाता था स्पाइसेस ग्राइंड करने के लिए या फिर तेल बनाने के लिए, और ये एक यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है। आप यहाँ पे आराम से पूरा डे स्पेंड कर सकते हैं और देख सकते हैं म्यूजियम, चीज़ फैक्ट्री और क्राफ्ट्समैन वर्कशॉप, जो कि विजिटर्स के लिए पूरा दिन ओपन रहती है। 7 मास्ट्रिक्ट एक हिस्टोरिक सिटी है, जो कि स्टार्ट हुआ था एज अ रोमन सेटलमेंट, और आप जब यहाँ पे वॉक लेते हो यू कैन फील दैट हिस्ट्री हियर। ये जो है बिल्कुल नेदरलैंड्स के साउथ में है, तो जर्मनी और बेल्जियम से भी काफ़ी टूरिस्ट यहाँ आता है। इसके अलावा ये बहुत ही लाइवली सिटी है, और इसकी जो वाइब है बाकी डच सिटी से थोड़ी अलग है। अगर आपको हिस्ट्री पसंद है तो आपको ये सिटी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हैं प्री हिस्टोरिक टाइम के केव्स, जिनका कि आप टूर भी ले सकते हो। 6 डेल्फ्ट, वनडे ट्रिप डेस्टिनेशन फ्रॉम एम्स्टर्डम, एंड यहाँ जाके आपको पता लगता है कि इतना फेमस क्यों है। इसका मेडिवल सेंट्रम एंड कैनल सराउंडेड बाय ट्रीज इसको एक मैजिकल फील देते हैं, एंड पर्सनली मुझे ये नेदरलैंड्स में सबसे पीसफुल सिटी लगता है। और ये फेमस है अपने ब्लू एंड वाइट सेरामिक्स की प्रोडक्शन के लिए, और अगर आप यहाँ किसी समर डे में जाओगे तो आपको पूरे सिटी में फ्लावर्स ही फ्लावर्स मिलेंगे। इसीलिए किसी पर्टिकुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन की जगह जो पूरे सिटी का एटमॉस्फेयर है वो इसे बनाता है विजिट वर्थी। मेरे पीछे ये जो ऑरेंज फ्लैग्स दिख रहे हैं इसलिए है क्योंकि यहाँ चल रहा है यूरो 2020 फुटबॉल चैम्पियनशिप, और यहाँ का लोग जो है वो क्रेजी हो जाते हैं इस टाइम पर। जो ऑरेंज है वो है इनका नेशनल कलर। 5 थॉर्न, नेदरलैंड्स के साउथ में है ये एक हिडन जेम, एक वाइट टाउन। पूरा का पूरा शहर जो है वो वाइट पेंटेड है, हर एक घर यहाँ पे वाइट है, और इसके सेंटर में है ब्यूटीफुल सा चर्च, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 10th सेंचुरी में, और फिर पूरा सिटी जो है उसी के अराउंड बनाया गया। और यहाँ पे है बहुत सारे कैफेज जहाँ से आप ट्राई कर सकते हो ट्रेडिशनल डच खाना, और यहाँ पे आके आपको लगेगा ही नहीं कि आप कहीं नेदरलैंड्स में हो। बाय द वे, इस जगह पे हमने पूरा वीडियो बनाया है,
और अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो प्लीज़ वो भी ज़रूर देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। 4. टेसल आइलैंड। ये है नेदरलैंड्स के नॉर्थ में एक छोटा सा आइलैंड जो कि फेमस है स्काई डाइविंग, ऑयस्टर हार्वेस्टिंग एंड अपने बीचेस के लिए। इफ़ यू लाइक नेचुरल ब्यूटी, बीचेस, ऑयस्टर्स, गेटिंग अ लिटिल बिट डर्टी एंड डच कल्चर, देन टेसल इज़ फॉर यू। 3. वालंदाम। क्लॉक्स, डच चीज़, स्टूफ वॉफल्स और वुडन घर, ये है यहाँ की ऐसी कुछ चीज़ें जो आपको नेदरलैंड्स का बेस्ट एक्सपीरियंस देंगी। एम्स्टरडैम से बस 30 मिनट्स दूर यहाँ जाना तो बनता ही है, क्योंकि इससे ज़्यादा डच कुछ नहीं हो सकता। यहाँ आपको मिलेगी हेरिंग जो कि है यहाँ की फेमस फिश, और इसके अलावा आप डच ट्रेडिशनल कपड़ों में पिक्चर्स भी क्लिक करा सकते हो, जैसे हमारे रहता है मनाली वगैरह में, सेम वैसे ही। और यहाँ से फेरी लेके आप मार्किन भी जा सकते हो, और वो भी एक बहुत सुंदर आइलैंड है छोटू सा। 2. ट्यूलिप फील्ड्स। अगर आप मिड मार्च से मिड मई के बीच में नेदरलैंड्स में हो तो ट्यूलिप फील्ड्स तो देखना बनता ही है। जहाँ तक भी नज़र जाए वहाँ तक आपको कलरफुल फील्ड्स ही दिखते हैं। एंड सबसे बढ़िया लोकेशन है ट्यूलिप देखने के लिए, वो है लीज। सबसे बड़ा एंड सबसे फेमस फ्लावर पार्क है क्यूकनॉफ में, जहाँ पे आपको दिखेंगे मोर देन 7 मिलियन ट्यूलिप्स, डेफोडिल्स एंड रोजेस। एंड इनको एक्सप्लोर करने का सबसे बेस्ट तरीका है साइकिलिंग। यहाँ पे आपको बाईसाइकिल रेंट पे आर्ली बेसिस पे मिल जाएगी, और फिर क्या, एक्सप्लोर करो एंड गेट योर बेस्ट पिक्चर्स क्लिक। 1. गिथून। बाकी सब टाउन्स की तरह एक नॉर्मल सा टाउन, पर यहाँ पे है बस एक छोटी सी एक्सेप्शन, और वो है रोड्स। इट इज़ अ विलेज विदाउट रोड्स एंड यहाँ आप ट्रैवल करते हो बोट से। इमेजिन करो कि आपके घर के बाहर की रोड की जगह हो एक कैनाल, और अपने घर आप आ रहे हो बोट से। कितना यूनिक एक्सपीरियंस होगा। एम्स्टरडैम से बस 1.5 आवर दूर है ये मैजिकल प्लेस, और आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो ऑब्वियसली बोट से, जो कि आपको यहाँ पर आवर बेसिस पर रेंट पर मिल जाएंगी। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।